तो आपकी क्लास में एक बार फिर स्वागत है हमारे भौतिकी विज्ञान 11th बच्चों। जो चीज़ें बताई जा रही हैं अगर आप इसको जीवन में उतार लेते हैं तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ें। चर्चा हम अक्सर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उन बातों का जब आप अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करेंगे बच्चों तो बड़ा अच्छा लगेगा। संसार तमाम प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है और अगर आप हमारी भौतिकी विज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारते हैं तो इससे बड़ा आनंद और किसी विषय में प्राप्त होने वाला नहीं है। आइए, हम लोग बीमा के उपयोग की बात कर रहे थे तो उसी में एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि उसके उपयोग में नंबर एक क्या था। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में रूपांतरित कर रहे थे हम, तो आज एक पद्धति वाला जो क्वेश्चन हमने दिया था आपको, एक न्यूटन को हमने किसमें बदला था, एक न्यूटन को हमने बदला था इसमें डाइन में। आज हम देखेंगे जब बल हो गया तो अगली बात अगर की जाएगी बच्चों तो ऊर्जा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? ऊर्जा की। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमें क्या हम करने क्या चल रहे हैं, जो करने चल रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देंगे। हम पहले उपयोग में देख रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि या किसी भी राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल रहे हैं। आप नीट का एग्जाम दोगे तो भी एक क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट ही कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक न्यूटन बराबर कितने डाइन के या एक जूल बराबर कितने अर्ग के। देखिए, दोनों मात्रक, पहले हमने बल की बात किया है, अब आज हमें बदलना क्या है, जूल को किसमें बदलना है बच्चों? एक जूल को क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाएगा, एक जूल को किसमें बदलिए? एक जूल को अर्ग में बदलिए। किसमें बदलिए? अर्ग में। अर्ग में बदलने से अभिप्राय हमारा ये है कि आप देख रहे हैं एक MKS है, दूसरा CGS है। हमने तीन पद्धतियों की चर्चा की थी, MKS, CGS और FPS, ठीक तीनों की चर्चा हो चुकी है। तो आइए देखते हैं इसको हम बदलेंगे कैसे। जो भी राशि हमें दी रहती है सबसे पहले उसकी हमें क्या पता होनी चाहिए? बीमा। क्योंकि एक पद्धति की जब हम बात करेंगे तो पहले पद्धति में M1 होगा, L1 होगा और T1 होगा। दूसरी पद्धति में अगर हम देखें तो क्या होगा? M2 होगा और L2 होगा और T2 होगा। कारण क्या है बच्चों? हम देखिए जो लिखे हुए हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इनकी बीमाएं अगर ABC हो, जो भी बीमा होगी इसकी वही बीमा इसकी होगी। राशि जब एक है बच्चों तो बीमा इक्वल ही होगी, अलग नहीं होगी। राशि जब एक है तो बीमा इक्वल होगी और आप इस बीमा का उपयोग करके किसी भी सूत्र को, किसी भी राशि के एक मान को दूसरे मान में बदल सकते हैं। यानी जूल से अर्ग में, अर्ग से जूल में, डाइन को न्यूटन में, न्यूटन से डाइन में, ऐसे तमाम प्रकार के कैलोरी है, उष्मा है, तमाम प्रकार की राशियों का रूपांतरण हम बच्चों एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में करते हुए आए हैं और करते हुए चल देते हैं, आसानी से उसको कर लेते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं फिर क्या आगे इसकी बीमा बताता है। जूल है तो जूल ऊर्जा है, ऊर्जा की बीमा आपको हम बता चुके हैं। ऊर्जा की बीमा बच्चों क्या होती है? ऊर्जा की बीमा आप लिख लेंगे ML² T-2। हम जैसे ही राशियों का रूपांतरण एक पद्धति से दूसरे पद्धति में करते हैं तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि जिस राशि का आप रूपांतरण कर रहे हैं उसकी बीमा आपको पता होनी चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए M1 है यहाँ पर 1 कर दीजिए, ये देखिए L1 है L1 कर दीजिए, T1 है बस इसी को इधर भी लिख दीजिए 2 के टर्म में, यानी 2 के संदर्भ में M2, L2 और T2। क्लियर? बीमाएं जो है उनको लगा दीजिए, 2 है और इसमें -2 है, ठीक। अब आप जानते हैं पहली पद्धति में जो इसका आंकिक मान रहा होगा N1, यानी लिख सकते हैं N1 M1 L1 का स्क्वायर एंड T1 की पावर -2, पावर -2 इसलिए लिखी गई है क्योंकि बीमा में 7 है ये। आगे देखिए, इधर भी इसका अगर परिमाण देखें तो N2 में होगा और ये क्या लिखेंगे? M2 L2 का स्क्वायर और T की पावर -2। काम आसान है बच्चों, एक में दिया हुआ है मान हमें इसमें निकालना है, यही एक पद्धति के आंकिक मान होते हैं। पहली पद्धति में आंकिक मान N1 है और दूसरी पद्धति में आंकिक मान N2 है, हमें निकालना बच्चों N2 है। तो हमारा काम आसान है, CGS वाला सिस्टम ये होगा और MKS वाला सिस्टम ये होगा। अगर हम इसको किलोग्राम में लेंगे
तो इसको किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसको हमने मीटर में लिया तो सेंटीमीटर में लेंगे। सेकंड से तो कुछ करना नहीं है, सेकंड तो छोटा सा, वो तो स्वयं सब में विराजमान रहता है। जैसे सूर्य नहीं होता, चंद्रमा में देखिए सूर्य चंद्र नहीं होते हैं, वो हमेशा उनकी गति चलती रहती है, वो अपने स्थान पर, सूर्य रुका है, चंद्रमा आप जानते हैं पृथ्वी घूम रही है। बस उसी प्रकार से सेकंड जो टाइम है, हमने टाइम की चर्चा बहुत की थी, स्टीफन के सिद्धांत में बताया था टाइम विथ ट्रेवल विथ वेलासिटी, यू आल्सो अंडरस्टैंड, सो आई रिक्वेस्ट यू फर्स्ट यू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्सेप्ट। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। जब टाइम की बात की जाती है तो मुझे तुरंत आइंस्टीन की थियरी याद आती है, और आइंस्टीन की एक ही थियरी हमने बताया था, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन ने जो परिभाषाएं टाइम की उसमें दी, स्पेस थियरी की बहुत महत्वपूर्ण थी, और उसी पर पूरी फिजिक्स चलती है, इस बात को याद रखिएगा। चाहे जिस क्लास में आप भौतिकी पढ़ने जाएंगे, हर जगह आप देखेंगे कि आइंस्टीन की ही थियरी महत्वपूर्ण है। आजकल कंपटीशनों में आइंस्टीन की ही चर्चा होती है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स मतलब न्यूटन की मैकेनिक्स तो दो नंबर तीन नंबर, लेकिन सारी मैकेनिक्स सारी फिजिक्स आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुरूप चल रही है, और उसी पर रिसर्च भी हो रहे हैं बच्चों। आगे चलिए, आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको एक क्वेश्चन देखना है। आइए एन टू निकालते हैं। एन टू इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, ये आप लिखेंगे एन वन, फार्मूला आपका बनेगा एम वन अपान एम टू, क्लियर। इस ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, एल वन का स्क्वायर अपान एल टू की पावर टू, क्लियर। और इसी तरीके से आप तीसरा बनाएंगे टी की पावर माइनस टू अपान टी वन, और टी की पावर यानी टी टू की पावर माइनस टू। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हम एम के एस वाला रख देंगे और सी जी एस वाला नीचे, तो ये सी जी एस मिल जाएगा, क्योंकि ये आंकिक मान एम के एस का था और ये हमें किसका मान दे देगा, सी जी एस का दे देगा। आपको पता चल जाएगा कि एक जूल बराबर कितने अर्घ के होता है, क्लियर। आइए देखते हैं, फिर इसके वैल्यू भी रख देते हैं। फार्मूला तो बन गया, इतना काम डेरिवेशन अगर हो गया तो मैं फिजिक्स में यही कहता हूँ, जब फार्मूला डेराइव हो गया तो आंकिक मान निकालना तो बड़ी छोटी सी बात है। मान रखिए, काट दीजिए, गुणा होगा भाग होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। पावर नीचे है ऊपर जाएगी, ऊपर है नीचे आएगी, और कुछ नहीं होगा, क्लियर। ये फार्मूला बड़ा महत्वपूर्ण था जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया, और जब फार्मूला फाइंड आउट हो गया, इसके मान को भी आप रख देंगे, और मान को रख देंगे तो आपको इसके मान के अनुरूप क्या मिल जाएगा, जो आपसे पूछा गया था वही आपको मिल जाएगा। देखते हैं कैसे मिलता है। ये क्या दिया है, एक जूल, तो एक एन वन का मान एक रख दीजिए, इंटू एम वन का मान क्या होगा, एक किलोग्राम में कितने ग्राम, एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो आप यहां क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम बटा, नीचे तो आप जान रहे हैं ये सीजीएस वाला है तो 1 ग्राम ही होगा, क्लियर। अब आप इसमें आइए, ये क्या है, मीटर का पैमाना है कि नहीं है, और जब मीटर का पैमाना है, 1 मीटर बराबर आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर के, तो आप लिख दीजिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है, ये ध्यान दीजिएगा, तो पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए, क्या करना है। टाइम वाले में हमेशा एक ही होगा, चाहे स्क्वायर हो चाहे फोर हो, जो भी हो, इसको कुछ करने की जरूरत होती नहीं। इसका मान जब देखिए दोनों बराबर है तो 1 ही आएगा, आप सेकंड को सेकंड में रखोगे भाग दोगे 1 ही आएगा, तो आप डायरेक्ट इसके स्थान पर 1 का गुणा कर दीजिए चाहे जहां भी रहे, क्योंकि सेकंड 1 सेकंड में आप फिर उसको कहां ले जाएंगे, सीजीएस में तो वही होगा, 1 सेकंड ऊपर 1 सेकंड नीचे कट जाएगा, 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 लगा दिए। अब बस इसी को हल कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा 1 जूल बराबर कितने अर्घ के। बच्चों अगर आप नहीं समझ पाओगे तो कब समझोगे, इतना आसान तरीके से आपको हमने समझाया, बहुत सरल सी बात है। अब देखिए इसी को आप पावर में है तो हल कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 1 है तो वो तो कट जाएगा, या उसको अंडर स्टूड में आप हटा दीजिए। ये देखिए 1000 है, इसको लिख सकते हैं 1000 है तो इसको 10^3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। आइए ब्रैकेट में हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्लियर, 10^3 हो गया, इनटू करिए। अब देखिए 10^2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, इंटू 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए ये 10^3 हो गया कि नहीं बच्चों, और ये 10^2 है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 का
दो गुना नहीं उसका गुणा करिएगा, अगर यहाँ तीन हो जाएगा तीन दुना छः हो जाएगा, नियम समझते चलिएगा। पता लगा दो की पावर अगर तीन लिखा तो बच्चों संग दो दुना चार दुना आठ गलत कर जाओगे। पावर का एक नियम होता है, घात वाला जो होता है पावर उसी का गुणा किया जाता है। बच्चों आइए कर देते हैं, टेन की पावर कितना हो गया, फोर इंटू वन, वन का कोई मतलब है नहीं, जोड़ दीजिए। तीन और चार कितना होता है सात, ये किसमें मिला है अर्घ में मिला, ये क्या था एक जूल बराबर, यही हम हमेशा लिखते हैं एक जूल बराबर, ये बच्चे याद करते हैं। हाँ आपको हमने निकाल के दिखाया है, ये हमेशा बच्चे याद कर लेते हैं एक जूल बराबर कितने अर्घ के। ये देखिए आपके सामने आ गया कि कैसे एक जूल बराबर कितने अर्घ के होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ एक बहुत रहस्यमयी बात जानने की जरूरत है, यहाँ है क्या कि आपसे कभी कभी पूछ क्या लिया जाता है, बायोलॉजी वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, जब पूछ लिया एक अर्घ बराबर कितने जूल के, तब बच्चे दिक्कत पर, मैथ वाले तो भाई अगर याद है तो मैथ जानते हैं उसका अच्छांतर पक्षांतर कर लेते हैं, बायोलॉजी वाले बेचारे प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था एक अर्घ बराबर कितने जूल के, इसको इधर कर दीजिए एक अर्घ मिल जाएगा, एक अर्घ बराबर मिलेगा क्या, एक जूल बटा 10 की पावर 7, क्लियर। इसी को ऊपर कर दीजिए तो ये मिल जाएगा एक अर्घ बराबर, आपसे अगर कोई एक अर्घ बराबर पूछे तो आप तुरंत बता सकते हो 10 की पावर माइनस 7 जूल। बच्चों दोनों में बहुत अंतर नहीं है, देख लीजिए एक अर्घ बराबर 10 की पावर माइनस 7 जूल और एक जूल बराबर 10 की पावर 7। अब जब ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते माइनस था कि प्लस था। अब ये देखिएगा पूछा क्या गया है, एक अर्घ पूछ रहा है कि एक जूल पूछ रहा है, दोनों आपके सामने है, डिफिनीशन के अनुसार सिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको आप लोग कर लेंगे अच्छे से समझ लेंगे।